रवि चव्हाण नवापुर, इन्होंने सवाल पूछा है कि गौतम बुद्ध के जन्म के समय या उसके बाद में ये भविष्यवाणी की गई थी कि वो सम्राट बनेंगे या फिर बहुत बड़े महान सन्यासी बनेंगे। हाँ, ये तो मैंने भी पढ़ा है। अब ये सभी बातें सभी के बारे में कही जाती है। जन्म के पहले कही थी, वैसे तो महामाया को, महामाया ने गौतम बुद्ध जी की माँ, सिद्धार्थ की माँ, उनको तो पहले ही पता चल गया था कि मेरे पेट में ईश्वर का अवतार आ रहा है जो पूरे दुनिया का श्रेष्ठ होगा। अब ये लगना कहना, इसके आधार क्या है? कुछ स्क्रिप्चर्स में हमें देखने को मिलता है, और ये स्क्रिप्चर्स बुद्ध ने खुद ने लिखे नहीं है, ना ही यीशु ने बाइबल लिखा है, ना ही मोहम्मद पैगंबर ने कुरान लिखा है, ना ही मूसा ने ओल्ड टेस्टामेंट लिखा है। तो ये जब भी लिखे गए तो ऐसी बातें लिखने की प्रथा थी। ये आपको भगवान कृष्ण के बारे में भी मिलेगा, ये आपको मूसा के बारे में मिलेगा, ये आपको ईसा मसीह के बारे में मिलेगा, यीशु के बारे में मिलेगा, इवन मोहम्मद पैगंबर के बारे में भी ऐसी भविष्यवाणियां हुई थी। ये सब बातें लिखी जाती है क्योंकि जो भी धर्म प्रसार करने वाले लोग होते हैं वो बाकी धर्मों का भी कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर उनसे हम कम नहीं है ये लोगों को बताने के लिए ऐसी कहानियां जड़ देते हैं और ऐसी कहानियां फैलते जाती है, और ये कहानियां हर एक के बारे में फैलाई जाती है। इसलिए ये बाबा वाक्यम प्रमाणम हमने नहीं मानना चाहिए। इस ढंग की कोई भविष्यवाणी पहले से कर होती नहीं है। अब उस जमाने में इन चीजों पर बहुत विश्वास था क्योंकि तार्किक तरीके से जांचने के तरीके तब उपलब्ध नहीं थे, साधा लॉ प्रोबेबिलिटी का ज्ञान नहीं था। काकतालीय न्याय बोला गया, यानी कौवा बैठने को और फांदी टूटने को, डाल टूटने को, यह काकतालीय न्याय बोला गया। लेकिन जो लॉ प्रोबेबिलिटी है संख्याशास्त्रीय दृष्टया, उसका आभास हमको पहले था नहीं। जैसे स्त्री को लड़का होना है, नहीं लड़का होना है, या फिर लड़का होना है और लड़की होनी है, इसका प्रेडिक्शन कोई भी गधे से गधे आदमी करे तो भी वो करेक्ट रह सकता है। उसको केवल भान चाहिए कि 50% चांसेस है। वो अगर एक स्त्री के बारे में करेगा तो शायद 100% गलत और 100% सही हो सकता है। लेकिन यही अगर बुद्धू आदमी 1000 स्त्रियों के बारे में करेगा तो काफी सही रहेगा, 1,00,000 स्त्रियों के बारे में करेगा तो बहुत ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि संख्या शास्त्र के अनुसार 100 के नंबर में 70% जो 30% पॉसिबिलिटीज है, 1,00,000 की संख्या में 49,000 तो 51,000 है। इतना अगर उसको ज्ञान रहेगा, बाकी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, और प्रिडिक्शन करेगा 1,00,000 स्त्रियों को लड़का होगा बोल दिया, तो 49,000 स्त्रियों को लड़का होने की गुंजाइश है, 48,000 को तो होगा ही होगा, 52,000 भी होगा, हो गया ना, कितना करेक्ट प्रेडिक्शन। तो ये तो हमें पहले पता नहीं था, तो इसलिए इस ढंग की कई बातें कही जाती थी, उसमें से कुछ बातें सच हो जाती थी, सच होने के बाद में उसको बहुत बल मिलता था, नहीं सच हो गई उसको भुलाया जाता था। और इन सभी प्रेडिक्शंस में जरतर तो होता ही था, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, वैसा हुआ तो वैसा होगा, ये सब बातें चलते रहती है। पूरे के पूरे हमारे धार्मिक स्क्रिप्चर्स इसी बातों से भरे पड़े हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यहूदी हो, इसी ढंग से हमको मिलते हैं। वो छोड़िए बाबाओं के मिलते हैं, हर बाबा की अगर वो बाबा है तो उसके बारे में चमत्कार से भरी हुई पोथी लिखी जाती है। गाड़गे महाराज जो 100% रैशनल थे, 100% रैशनल थे, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मेरा संगठन काम नहीं करता, संगठन में निर्माण नहीं करता, और गाड़गे महाराज को हर व्याख्यान में नहीं बताता, तो आज गाड़गे महाराज पूरे महाराष्ट्र में एक चमत्कारी पुरुष और सरकार की ओर से झाड़ू लगाने वाले पुरुष, इतने ही बचते। जो व्यक्ति पूरी तरह से रैशनल था, चमत्कार विरोधी था, उसको चमत्कार वाला बना दिया जाता,
और जिसने लोगों का दिमाग साफ किया उसको रास्ते का झाड़ू वाला बना देता महाराष्ट्र सरकार, यहीं तक खत्म कर देते। हमारी देखने की वृत्ति वही होती है। ये दिमाग साफ करने वाला व्यक्ति है, ये काम हमने जिंदा रख पाए हम, क्योंकि हमारी मूवमेंट है, ताकतवर मूवमेंट है। क्योंकि मैंने 1982 में मेरी मूवमेंट शुरू की और 1983 की शुरुआत में उमाड़े गुरुजी की पोथी आ गई, जिसमें चमत्कारों की भरमार है। गाड़गे महाराज ने किस ढंग से चमत्कार किए, इतना ही नहीं तो सदैव वैकुंठ में गई, ये भी है। अब गाड़गे महाराज कोई आम आदमी था क्या? गाड़गे महाराज का चरित्र प्रबोधनकार ठाकरे, बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी, महाराष्ट्र के एक विद्वान व्यक्ति ने लिखा, उसमें कहीं भी चमत्कार का उल्लेख नहीं। उल्टा वो कैसे चमत्कार विरोधी थे, ऐसी कई बातें उसमें आपको मिलेगी। गोनी दांडेकर महाराष्ट्र के एक बहुत ही फेमस लेखक, नॉवेलिस्ट, जिनको काफी प्रतिष्ठा है, उन्होंने गाड़गे महाराज का चरित्र लिखा। इतने बड़े दो व्यक्तियों ने उनका चरित्र लिख कर रखा जिसमें चमत्कारों के लिए कोई स्थान नहीं है, इसके बावजूद 56 साल को जो व्यक्ति मर गया, 56 साल में जिसको जलते हुए कई 25-50 हजार लोगों ने देखा, उन्हीं को 1983 में एक पोथी लिखकर उनको भेजा जाता है स्वर्ग में, पुष्पक विमान में बिठाकर इस ढंग की पोथी लिखी जाती है और चमत्कारों की भरमार की जाती है। ये हमारे तरीके रहे। जो संत परंपरा चमत्कार विरोधी थी, चाहे संत ज्ञानेश्वर हो, संत नामदेव हो, संत तुकार, एकनाथ हो, उनके भी नाम से कई चमत्कार जड़ दिए। इसलिए मैं गाड़गे महाराज का उदाहरण लेता हूं क्योंकि उसके बारे में मैं बोल सकता हूं, उसके सब प्रूफ्स यहां अवेलेबल है। तो ये बातें हमारी मानसिकता का हिस्सा है। हम ऐसे स्क्रिप्चर्स लिखते हैं जिसमें ऐसी बातों की भरमार होती है, और ये सभी धर्मों के स्क्रिप्चर्स में आपको मिलेगा, इसमें कोई अपवाद नहीं। जैन धर्म चमत्कार विरोधी है, लेकिन जैन धर्म ने जितने मंदिर बनाए वहां जाइए आप, और जब वहां के भिक्कू लोग, सन्यासी लोग आपको जिस ढंग का वर्णन सुनाते हैं, उस पर से ध्यान में आता है कि जैन धर्म की मूल तत्व क्या है और ये लोग क्या कह रहे हैं। चमत्कारों की भरमार। अब भाई भारत में रहना है, सभी धर्मों के चमत्कार इतने प्रसिद्ध है, हम कैसे पीछे रहे हैं? तो वहां तक बात सीमित नहीं रहती, एक्टिवली इच्छा थिलाना शुरू कर देते हैं मंदिरों का दान बढ़े करके। तो ये तो हमारे आज की स्थिति की बात मैं आपसे कह रहा हूं। तो उस जमाने में तो इन बारे में चमत्कार होते हैं नहीं होते हैं, यहां से सब बड़े प्रॉब्लम्स थे। नेचर में जो होता है उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, आज के दृष्टि से काफी अज्ञान था। आज की दृष्टि से पहले जमाने में बहुत ज्ञान था और आज हम बहुत अज्ञानी हैं, ऐसे कुछ लोग मानते हैं। उनको सही माने में इंसान कैसे बढ़ता है, उसकी प्रगति कैसी होती है, इसकी जानकारी नहीं होती है। वो बाबा वाक्यम प्रमाणम वाले होते हैं। हमेशा ज्ञान बढ़ते रहता है, ज्ञान का दायरा बढ़ते रहता है। तो इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में हमने देखना चाहिए। उस समय इतना रैशनल विचार करने की क्षमता होना भी बहुत कठिन था, कई चीजों के सवालों के जवाब नहीं पता चलते थे। यानी जैन धर्म ने ईश्वर ये कंट्रोलर नहीं ऐसा माना, लेकिन वो निर्माता ऐसा माना, क्योंकि निर्माण करने वाली तो कोई चीज चाहिए ना, लेकिन कंट्रोल नहीं कर रहा। जैसे अभी ज्योतिबा फुले जी को मानना पड़ा कि भगवान ने सृष्टि निर्माण की, इंसान को निर्माण किया, निर्मिक वो है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं करता है। क्योंकि उस जमाने में डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत शायद उन तक इतनी ताकत से नहीं पहुंचा था, या फिर उतनी ताकत से सिद्ध नहीं हुआ था, आया था लेकिन ताकत से सिद्ध नहीं हुआ था। तो ये काल की मर्यादाएं हर एक को होती है, और फिर उस समय की जो धारणा होती है उसके अनुसार ये सब चीजें बोली जाती है, फैलाई जाती है, उसको उसी परिप्रेक्ष्य में हमने देखना चाहिए। ये सच है कर नहीं देखना चाहिए।